हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर जलाली नाम में आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, 2022 में आपका रिकॉर्ड कैसा है? क्या किया है 2022 में आपने परमेश्वर के सामने? क्या किया है परमेश्वर के लोगों के लिए, जहां अपने जीवन के लिए, जहां दूसरे लोगों के लिए, रूहों को बचाने के लिए आपने क्या किया है? ये आज आपने डिसाइड करना है, देखना है, अपने आप को चेक करना है। हालेलुया। क्योंकि आपका रिकॉर्ड परमेश्वर के सामने जब होता है तो वहां से आपकी पवित्रता, आपकी ईमानदारी और प्रभु के साथ आप कितने वफादारी में हो, कितना प्रेम करते हो, वो दिखता है। हालेलुया। मैं चाहती हूँ 2023 में प्रवेश करने से पहले आप अपने रिकॉर्ड को चेक करें। हालेलुया। देखें कहाँ कहाँ कमियां हैं। अगर लाइफ में दिख रहा है बहुत सारी कमियां हैं, तो उस कमियों को 2022 में ही छोड़कर त्याग दें। हालेलुया। और 2023 में आप अपने रिकॉर्ड को जो बनाना चाहते हैं, गोल को जो आप देखना चाहते हैं अपने जीवन में, रूहों को बचाने का बोझ, सेवा करने का बोझ, पवित्रता ही रखने का बोझ, जहां खुदावन का काम बड़ी रीति से करने का बोझ, जो भी आपका गोल है उसे आप सेट कीजिए। हालेलुया। मैं एक वचन आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, यशाया 38 उसकी 2 और 3 पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा है, हिजकिय्याह कंध कंध की ओर मुंह करकर, मेरे पास पंजाबी की बाइबल है तो मैं पंजाबी से पढ़ रही हूँ, बट मैं हिंदी में साथ साथ आपको ट्रांसलेशन करके दिखाऊंगी। हिजकिय्याह दीवार की ओर मुंह करकर यहोवा से प्रार्थना करने लगा कि हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, परमेश्वर तू याद कर कि मैंने सच्चे दिल और वफादारी के साथ तेरी सेवा की है, और जो तुम्हारी नजर में सही है मैंने वही किया है। तो यहां हिजकिय्याह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जब यशायाह नबी हिजकिय्याह के पास पहुंचता है तो वो उसे ये बताता है कि परमेश्वर ने मुझे तेरे लिए एक संदेश दिया है कि तेरी उम्र के दिन अब कम रह चुके हैं, तो जल्द ही परमेश्वर के पास जाने वाला है। तो हिजकिय्याह फिर प्रार्थना करता है दीवार की ओर मुंह लगाकर कि परमेश्वर मुझे देख, कहां कमी है मेरे जीवन में, मैंने पूरी पवित्रता के साथ, वफादारी के साथ परमेश्वर तेरे काम को किया है, मैं वफादारी से चलता रहा। हालेलुया। इसे हमें यह मालूम होता है प्रिय भाई बहनों की जो हिजकिय्याह था वो वफादार था, वो पवित्रता में रहने वाला, परमेश्वर का काम करने वाला वो जन था। इसलिए तो वो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी अथॉरिटी के साथ प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर से ये कह रहा है कि परमेश्वर मैंने वफादारी से तेरे काम को किया है, मैंने वफादारी से, मैं पवित्रता में रहा हूं, मैं नित्य प्रार्थना करने वाला जन हूं, तो मेरी उम्र को लंबा कर। तो परमेश्वर ने सच में उसके रिकॉर्ड को फिर देखा। जब उसने प्रार्थना की तो प्रभु ने उसके रिकॉर्ड को देखा, सच में ये धर्मी जन है, सच में इसने प्रार्थना की है, ये वफादारी से चला, ये पवित्रता में रहा, पाप इसके जीवन में नहीं रहा, इसने मेरे लोगों का अच्छे से ख्याल रखा है। तो परमेश्वर ने उसकी 15 साल उम्र और आगे बढ़ा दी। हालेलुया। क्यों मैं आप सभी को कह रही कि आपको आपके अपने रिकॉर्ड चेक करने की जरूरत है? रिकॉर्ड हमें दर्शाता है हमारी कमियों को, हमारी अच्छाइयों को, ये हमने क्या किया है। अब कुछ लोग कहेंगे हम रिकॉर्ड कैसे चेक करें? झांकिए, प्रार्थना करेंगे जब तो झांकिए अपने आप में, देखिए कि आपने पूरा साल क्या किया है, कितने लोगों के साथ भलाई की है, कितना बुरा किया है, कितना अच्छा किया, सब आपका मन आपको बता देगा, सब कुछ आपको मालूम हो जाएगा। अगर आप हिजकिय्याह की तरह वफादार हो, पवित्रता में रहने वाले हो, तो परमेश्वर आपको बड़ा फल देगा, बड़ा फल देगा मेरा परमेश्वर आपको। हालेलुया। और 2023 में भी हमें प्रवेश करने से पहले पहले ऐसा ठानना, अगर कमियां हैं तो त्याग दीजिए, माफी मांगिए, तोबा कीजिए और 2023 में प्रवेश कीजिए पूरी एनर्जी के साथ, वादे के साथ, वाचा के साथ। परमेश्वर जो मैं 2022 में नहीं कर सका मैं 2023 में करूंगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर 2023 में आपको बहुतायत की आशीष के साथ ब्लेस करेगा, जिस हिस्से में आप जाना चाहते हैं परमेश्वर उस हिस्से में, उस मार्ग में आपको आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। आंखों को बंद करें, मेरे साथ प्रार्थना में हो चले। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महान सामर्थ्य पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम तारीफ करते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र
सैनों का यहोवा तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम अपने रिकॉर्ड को प्रभु तेरे सामने रखते हैं खुदावंद। पिता, दो भी हमने 2022 में किया है खुदावंद, अब सब जानते हो खुदा। हो सकता है हमें गलती लग जाए प्रभु परमेश्वर, पर आपके जीवन में पुस्तकों में कभी गलती नहीं लगती मेरे परमेश्वर। हमने जो भी 2022 में प्रभु गलत किया है तो प्रभु हमें क्षमा कर, हमें माफ कर। प्रभु ये जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं खुदावंद, इनको भी क्षमा कर, इन्हें भी माफ कर मेरे पिता परमेश्वर खुदा। और पिता, हमारी 2022 में जितनी कमियां यहां ही रह जाए, और प्रभु हम 2023 में पिता परमेश्वर पूरी ईमानदारी के साथ खुदा, हम तेरे साथ वफादारी रखते हुए खुदावंद, पवित्रता ही रखते हुए, तेरी रूहों का बोझ रखते हुए, तेरे सुसमाचार का बोझ रखते हुए प्रभु हम आगे बढ़े मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। प्रभु, इन सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, जितने लोग मेरे साथ चैनल पर निरंतर बने रहते हैं खुदा, निरंतर सुनते हैं वीडियो को और प्रार्थना को रिसीव करते हैं, प्रभु आज इनकी प्रार्थना सुनी जाए खुदा तेरे स्वर्ग से, आज प्रार्थना सुनी जाए प्रभु, तेरे दूत इन्हें छुए खुदावन, तेरा होली स्पिरिट ने टच करे खुदावन, प्रभु यीशु तेरे नाम से पिता ये चंगे हो जाए खुदा। बीमार देख रहे थे, प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, छूट जाओ लाचारियों से, अपने बेड से जो मौत का बेड है वहां से उठ खड़े हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी सामर्थी नाम है। दूसरा आत्मा जकड़े हुए, दूसरा आत्मा आपको छोड़ के जा चुका है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, ये मैं विश्वास करती हूँ। बरकत आपका हिस्सा है, बरकत आपका हिस्सा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमेन, आमेन। आप सब ब्लेस है, इसी तरह मसीह में बने रहो, अड़े रहो, खड़े रहो। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। और इसी तरह निरंतर सुबह भी और शाम को भी आपको प्रार्थना मिलेगी, मेरा विश्वास है कि आप सेम नहीं रहेंगे इन प्रार्थना को सुनने के बाद। चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी चर्च मिनिस्ट्री के लिए बोना चाहते हैं तो नीचे गूगल पे नंबर आ रहा है, इस पर अपना सीड, अपनी ऑफरिंग सेंड भी कर सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। सबको जय मसीह की।